हेलो पवन जी तो आज मैं दरअसल राइटिंग पैड लगाना भूल गई हेलो श्वेता तो भी देख रही थी दरअसल क्या हुआ कि आज काम ज्यादा था तो काम करते करते ना टाइप कर रही थी और टाइपिंग में क्या हुआ कि मैंने लिख दिया कि आई एम हैविंग लंच वो वही आदत हो गई है कि दिन में लोग मैसेज कर करके डिस्टर्ब करते हैं ना तो उनको यही कहना पड़ता है लंच चल रहा है लंच चल रहा है तो अभी मैं सीढ़ियों से उतर रही थी आई विज जस्ट रीच देयर तो मुझे पता चला रही मैंने तो गलत लिख दिया चलो कोई नहीं जेनुअन मिस्टेक है हो जाती है हाँ तो अब चलेगा हमारा सिस्टम तो आज हम करेंगे जॉफरी चौसर बहुत इंपॉर्टेंट तो है और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं लिंक दे दूंगी हाँ यहां मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है वीडियो में तो जो जो लोग नहीं जानते पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो वो पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चौसर को क्या कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना ये हम बहुत बार पढ़ते हैं एक और नाम दिया गया है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री पोइट्री हम सब जानते हैं वैसे इसका पूरा एक लाइन है हमने उसमें से अपने हिसाब से जो चीज ली है ना हमें सिर्फ ये ध्यान रहता है कि चौसर को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री दरअसल वो स्पलेंडेड पोइट्री है तो जब आप इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां लिखा जाता है कि ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर लेकिन क्योंकि पोइट्री ज्यादा लिखी है राइम ज्यादा यूज किया है इनोवेटिव बनाने के लिए तो इसीलिए जो फर्स्ट डेजिग्नेशन है वो एज अ पोएट है वो भी इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको लेकर आने वाले फ्लरिश करने वाले चौसर थे ठीक है तो आई होप कि ये चीज किसी किसी बुक में मेंशन है तो जिनको नहीं पता थी उनको पता चल गई होगी फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का तो मुझे पता है नाइन्टी नाइन परसेंट लोगों को क्लियर है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है तो ये क्लियर है लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री शायद ना हो इसलिए मैंने आज मेंशन कर दिया मॉर्निंग स्टार्स ऑफ रेनेसेंस हाँ शुरुआत वहां से हुई है ठीक है तो शुरुआत के लिए कहा जाता है तो ये आप कह सकते हो एक और जो मेजर इनका टाइटल है फाउंडर ऑफ इंग्लिश वैसे इसमें कुछ नया नहीं है ठीक है तो फाउंडर ऑफ इंग्लिश तो इंग्लिश इन द सेंस या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो तीन टाइटल हो गए फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री थर्ड फाउंडर ऑफ इंग्लिश अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है यहाँ पे फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है क्योंकि इन्होंने जो लैंग्वेज बनाई है ना वो दरअसल इंग्लिश हमें दिखती है आपने बहुत बार एक लाइन सुनी होगी काफी लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो अधूरी लैंग्वेज है ठीक है उसको लेम लैंग्वेज भी बोल देते हैं नहीं तो फिर कहते हैं इंग्लिश तो लंगड़ी लैंग्वेज है ये वर्ड उसके लिए थोड़ा सा यूज किया जाता है तो उसका रीजन यही है कि वो स्पेनिश लेटिन फ्रेंच और इटालियन वर्ड्स को यूज करके कुछ कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर हमें जो आज इंग्लिश पता है वो हमें मिली है बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है टाइम टू टाइम वो इवोल्यूट हुई है यानी कि इवोल्यूशन भी चला है ठीक है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे बिकॉज इसमें से क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट uh, चीज 1343 से लेकर 1400 हंड्रेड ये चौसर का टाइम पीरियड रहा है और जो एज ऑफ चौसर है एज ऑफ चौसर को कहा जाता है क्यों चौसर का नाम है ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है जैसे एलिजाबेथन पीरियड को लास्ट मतलब जब पार्ट्स आप देखें तो एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं लेटर पार्ट में एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं कोई भी राइटर अगर बहुत ज्यादा इनोवेटिव लिख कर गया है और जो रीडर्स हैं जो ऑडियंस है वो उसको पसंद कर रही है उसके लिटरेचर को या उसकी रीडिंग्स को पढ़ना पसंद कर रही है तो डेफिनेटली वो पॉपुलर रहा होगा तो एज ऑफ चौसर जो टाइम पीरियड है दैट इन द ईयर 1340 और 1400 में ही वो एंड हो जाता है तीन साल जबकि यहाँ पे ज्यादा है तो जो बर्थ ईयर है वो थर्टीन है लेकिन जो एज ऑफ चौसर का बिगनिंग पीरियड है वो हम मार्क करते हैं थर्टीन से पवन बहरी जी अभी ग्रैंड फादर इंग्लिश नॉवल तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि इससे पहले भी नॉवल है नॉवल का जो ओरिजिन है हमें ओल्ड पीरियड में मिल जाता है तो कहीं कहीं लिखा जाता है बट उसको हम अभी नहीं करेंगे ग्रैंड फादर ऑफ नॉवल वो चीज फिर जो ग्रोथ हुई है ना नॉवल की नाइनटींथ सेंचुरी में लेट एटीन सेंचुरी में वो फिर उसके साथ क्लैश कर जाएगा आइडिया इतना मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगी ठीक है तो सिर्फ रिलेवेंट बात उसके अलावा कुछ नहीं क्योंकि अगर आपने कह दिया ना कि ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल या ग्रैंड फादर इंग्लिश नॉवल तो आपको फिर इससे पहले वाले जो है ना उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो नहीं क्योंकि जहां से क्वेश्चन बनेगा वी विल डिस्कस ओनली दैट बस पढ़ रखा है आपने अच्छी बात है बट उसके भी कुछ अलग एस्पेक्ट्स हैं तो वो नहीं यहां पर इनमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं ठीक है साइड बाय साइड क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है और आप बहुत बार पढ़ते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी शायद ही हो जिसमें विलियम चौसर नहीं पढ़ाया सॉरी जॉफरी चौसर नहीं पढ़ाया जाता स्पेशली कैंटरबरी टेल्स तो कोई ना कोई टेल लगा दी जाती है ठीक है कोई ना कोई इनकी जो पोएट्री का सेक्शन है वो लगा दिया जाता है फोर्थ पॉइंट मैंने ये वैसे रिपीट कर कर दिया है मतलब फिर भी मैं कहना चाहूंगी इंग्लिश पोएट एंड ऑथर ठीक है इसके अलावा भी ये बहुत कुछ थे ही वॉज अ डिप्लोमैट यानी कि पॉलिटिकल भी वो चीजों को संभालते थे ही अ ठीक है तो जैसे स्पेंसर कोर्टियर थे कोर्ट पोएट थे ऐसे ही इनका भी रोल रहा और इन्होंने अपनी रॉयल सर्विसेज भी दी है तो ही वॉज ऑल्सो सर्विस मैन ठीक है बट अगर कभी बहुत सारी चीजें दे दी जाएं तो आप जो लिखेंगे वो पोइट पहले लिखेंगे क्योंकि इनका जो मेन जो एरिया रहा है वो यही है वैसे तो ये वाइन मर्चेंट भी थे अभी उसको भी डिस्कस करेंगे बट इसकी रेफरेंस ना बहुत कम मिलती है क्योंकि सिर्फ लिखा गया है तो हमें पढ़ना है बैकग्राउंड के जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलेगा जो उनके फादर थे जॉन चौसर और जो इनके ग्रैंडफादर थे ठीक है तो लीनियज जो है वो वाइन मर्चेंट्स की थी एक प्लेस है विंट्री करके और विंटर्स एक स्ट्रीट भी है ये कहाँ है ये है इंग्लैंड में ठीक है तो क्या है कि वाइन मर्चेंट बहुत सारे इस एरिया में पर्टिकुलरली जो ये वैसे तो मैंने यहाँ पे ये टर्म बता दी है ये आपको मिल भी जाएगी इस को वैसे स्ट्रीट का नाम ये है इंग्लैंड में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइन मर्चेंट्स रहा करते थे और ये बात तो हमें पता है कि हेरिटेज हो या जब हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं रॉयलिटी की बात करते हैं तो रॉयल जितने भी प्लेसेस हुआ करते थे या प्रिंस हुआ करते थे तो वो वाइन को पसंद करते थे प्रेफर करते थे वो उनका एक एसेंशियल पार्ट रहता था उनके फूड आइटम्स में तो बहुत ही ज्यादा रिच थे और यह भी कहा गया है कि जॉन चौसर को मतलब चौसर, चौसर के जो फादर थे जब चाइल्डहुड में इनको जॉन चौसर को किडनैप कर लिया गया था रीजन वही था मनी और किसी आंट ने ही किया था ठीक है तो इसके डिस, डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा नहीं अभिषेक जी थोड़े थोड़े डाउट फिर भी रह जाते हैं क्योंकि क्या होता है कई बार क्वेश्चन मुझे पता है कि वो कहाँ से पूछ सकता है मुझे तो ये भी पता है कि जो ट्वेंटी फोर टेल्स है ना जो ट्वेंटी नाइन पिलग्रम्स ने ट्वेंटी फोर टेल्स करी हैं वो वहीं से पूछेगा हो सकता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले बट आना क्वेश्चन कैंटरबरी टेल्स में से ही है या फिर इसके नाम पूछेगा अदरवाइज कहीं से क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है एक क्वेश्चन बनता है कि किस किस किंग के साथ काम किया है क्योंकि ये अकेले ऐसे थे जिन्होंने तीनों किंग्स के साथ काम किया था तो उसको अभी डिस्कस कर लेंगे ठीक है एडुकेशन ये बता दिया इसके अलावा ये ट्रांसलेटर भी थे ट्रांसलेटर का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ट्रांसलेटर भी थे जैसे फ्रेंच से वर्ड को ट्रांसलेट करना देन इंग्लिश में लाना ठीक है इंग्लिश इनसे पहले भी थी लेकिन ये होता है कि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं थी मैंने जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इस description में जिस वीडियो का लिंक डाला है ना उसमें मैंने पूरा इकोनॉमिकल रिलीजियस पॉलिटिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया है तो मैं यही कहूंगी कि जो चौसर को पढ़ रहे हैं ना पहले वो उस वीडियो को विजिट करें पहले सोशल सर्कमस्टांसेस को समझें पॉलिटिकल बाउंड्रीज को समझें रिलीजियस एस्पेक्ट को समझे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे चीजें जो हैं वो इसने कैंटबरी टेल्स में यूज की हैं ठीक है थीके? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चीज कि एडवर्ड द थर्ड और रिचर्ड अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई क्लियर कर देना अगर किसी को वो हो तो डाउट एक बार रुको पहले मैं खुद भी एक बार क्रॉस चेक कर लू एडवर्ड थर्ड रिचर्ड द सेकेंड एंड हेनरी फोर किसी एग्जाम में स्टेट लेवल के एग्जाम में ये पूछा गया था कि इस मतलब कॉम्बिनेशन दिया था उन्होंने एडवर्ड द थर्ड का हेनरी फोर का रिचर्ड द सेकेंड का हेनरी फोर का रिचर्ड द सेकेंड और एडवर्ड थर्ड का मतलब इन तीनों को कुछ इस हिसाब से लगाया गया था और फिर ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राइटर है जिसने इन तीनों के रीन में काम किया है मतलब ये तीनों रूलर थे और इनके साथ कुछ ना कुछ काम किया है इनके अंडर कुछ ना कुछ काम किया है तो इनके नाम थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एडवर्ड द थर्ड रिचर्ड द सेकेंड एंड हेनरी फोर और ये कंफ्यूज मत होना क्योंकि इनकी जो लीनियज जो चलती है ना ये एडवर्ड द थर्ड आपको इंग्लैंड की हिस्ट्री में बहुत बार मिलेंगे रिचर्ड द सेकंड बहुत बार मिलेंगे तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्या पॉइंट था ये सिक्स एडवर्ड द सेकेंड का इम्पोर्टेंट रोल सॉरी एडवर्ड थर्ड रिचर्ड टाइम है वो है थर्टीन फोर्टी थ्री से लेके फोर्टीन हंड्रेड अब आप हिसाब लगा लेना कि कितने ईयर्स तक उसने काम किया ऐसा कहा जाता है कि वेन चौसर वॉज सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड तो वो किसी रीजन से मतलब क्योंकि वाइन मर्चेंट के बेटे थे तो एडवर्ड जो रूलर थे उनको मतलब किसी तरीके से उनके कोर्ट में इनकी प्रेजेंस हुई तो एडवर्ड द थर्ड को उनके बारे में पता चला और उन्होंने क्या सजेस्ट किया इनको किसी वर्क के लिए सजेस्ट किया था कि, कहते हैं ना कि अगर अच्छा है अगर आप पुरानी हिस्ट्री भी देखें अगर हमारी आप एंशियंट हिस्ट्री को देखें या मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे किंग या रूलर्स मिलेंगे जो कि अपने कहते हैं ना कोर्ट में फेमस पोएट्स को या फेमस राइटर्स को रखा करते थे ताकि वो उनके बारे में अच्छा अच्छा लिख सके तो एडवर्ड द थर्ड को कुछ लगा होगा इनके बारे में तो उन्होंने सजेस्ट किया इनको इनको कहीं भेजा था ठीक है वॉर पे होता है ना अकंपनी देने के लिए यानी कि कंपनी देने के लिए भेजा था कि किसी के साथ ये गए थे तो ही मूव्ड टू फ्रांस एडवर्ड द थर्ड के कहने पे वहां पे इन्होंने क्या सीखा फ्रेंच एंड स्पेनिश अब आज तो हम एक लैंग्वेज नहीं सीख सकते बट इन्होंने सीखा तो ही ऑल्सो स्टडीड फ्रेंच एंड स्पेनिश लिटरेचर अब इसमें थोड़ी सी रेफरेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ लोगों से इनको इंस्पिरेशन मिली वो कैसियो जो कि इटालियन थे एक पर्सन और है दरअसल वो फ्रेंच है क्या कह रहे हैं हां जी फ्रांस जी महानूर जी फ्रांस गए थे ठीक है लेकिन पूरा तो आप याद नहीं कर पाएंगे है ना तो जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है हम वो वो पार्ट आज कर लेंगे प्रीजियो कार्ट नाम है शायद उसका जहां तक मुझे ध्यान है फ्रेंच का जो पर्सन था उसका नाम है पेन चेंज कर लू लिखने वाले वीडियो में थोड़ा सा यही रहता है सारी चीजें एक तो बोकैसियो है दूसरे एक फ्रेंच के राइटर थे उनका नाम है फ्रोइजार्ट फ्रोइजार्ट इसके अलावा एक और पर्सन का लिटरेचर अक्सर पढ़ा पढ़ा करते करते थे 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 राइटिंग्स जो थी वो पढ़ा करते थे। वो डेंटे थे जिन्हें हम दानते कहते हैं दानते एलिग्री पूरा नाम इनका यही है तो इन्होंने क्या क्या देखा इन्होंने देखा फ्रांस इन्होंने देखा जनुआ और इन्होंने देखा फ्लोरेंस यानी कि इटली रेफरेंसेज क्या करी जब फ्रांस में टूर पे गए टूर तो इनके लिए यह हो गया दरअसल गए तो वो किसी को अकंपनी देने थे वॉर था एक तरीके का तो दानते बुकेसियो एंड फ्रॉइ तो इनकी राइटिंग्स पढ़ी अब राइटिंग्स पढ़ी तो यहां से ही टुक सम आइडियाज जिसको कि इन्होंने लेटर हाफ में यूज करा जो लोग चौसर को पढ़ चुके हैं उनको ये बात पता होगी कि चौसर की राइटिंग्स को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ठीक है तो इंग्लिश क्या है उसमें लास्ट में आता है उससे पहले क्या आता है अगर किसी को पता है तो बता दो

वो जो आइडिया है वो दांते की इन्फर्नो से लिया गया है चलो आर्ट हो गए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब आप चौसर की एज पढ़ेंगे ना वैसे मैंने वीडियो में डाला है बट मैं आपको बता देती हूं ब्लैक डेथ जब आप इसको डालेंगे ना तो आपको वो रेफरेंस देगा कि 1347 में बर्बोनिक प्लेग प्लेग दरअसल क्या है इन्फेक्शन है काफी लोग कहते हैं गंदगी से होता था काफी लोग कहते क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो काफी जगह रेफरेंस आपको मिलेगी रैड्स बहुत ज्यादा थे यूरोप में तो उससे फैला तो 1847 में यह यूरोप में फैला था यूरोप और यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया तो यूरोप के साथ साथ फैला 1348 के अराउंड ये इंग्लैंड में पहुंचा और ये वो टाइम पीरियड था ब्लैक डेथ मतलब प्लेग ये वो टाइम था जब इंग्लैंड की वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड जिसे कहते हैं ना बिल्कुल स्वाइप हो गई खत्म हो गई तो किसी भी कंट्री के लिए उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि तो पॉपुलेशन सही होगी तो तभी वो स्टेबल गवर्नमेंट को ला पाएगी अगर वन थर्ड यानी कि ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट पॉपुलेशन खत्म हो गई तो जो 25 परसेंट बचे हैं वो गवर्नमेंट का क्या करेंगे क्लाशेस होंगे तो 1381 की भी आपको रेफरेंस मिलेगी इस वीडियो का जो मतलब इस वीडियो को देखने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना चौसर की वीडियो का उसको जरूर विजिट कर लेना तब आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी यहां पे मैं सिर्फ मेजर मेजर पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें थी यहां पे पेजेंट रिवोल्ट भी हो गया जो लोग ट्वेंटी में बच गए अब ऐसा तो नहीं है कि वो खाएंगे नहीं ठीक है वो या वो काम नहीं करेंगे तो अब क्या था उन्होंने अपनी वेजेस बढ़ा दी थी पहले अगर मान लीजिए वो एक लायर लिया करते थे लायर करेंसी हुआ करती थी तो अब उन्होंने वो फोर टाइम्स फाइव टाइम्स बढ़ा दी क्योंकि पॉपुलेशन कम है सारी चीजें मिसबैलेंस हो गई यानी कि इम्बैलेंस हो गई इसके बाद 1348 से लेके 49 के बीच जब ये बर्बोनिक प्लेग इंग्लैंड में रहा तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया ये वापस भी आया थर्टीन सिक्सटी टू थर्टीन सिक्सटी सेवन एंड थर्टीन सेवनटी तीन बार ये फिर से आया यानी कि अगर पॉपुलेशन चाह भी रही थी ग्रो करना वो मल्टीपल हो भी रही थी तो फिर से प्लेग आया और प्लेग ने क्या किया वो सारी चीज खराब कर दी फिर आया फेमाइन फेमाइन का मतलब हो गया सूखा फेमिन भी बोलते हैं काफी लोग लेकिन वो गलत है फेमाइन तो सूखा आया सूखा पड़ गया ठीक है तो आधी पॉपुलेशन उसमें खत्म हो गई क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था हां जी पवन जी फ्रेंच इटालियन एंड इंग्लिश तीन पार्ट्स जो कहे तो पूछा गया था तो बता दिया इन्होंने कि चौसर के टाइम पीरियड को तीन पार्ट्स में बांटा गया है सबसे पहले फ्रेंच जिससे कि इन्होंने रोमन डेला रोज लिया है ठीक है द बुक ऑफ डचेस लिया है सेकंड है इटालियन जिसमें कि द हाउस ऑफ फेम आ जाता है ठीक है और द पार्लियमेंट्री फाउल्स आ जाता है थर्ड है द कैंटेबरी टेल्स इंग्लिश फेमाइन यानी कि सूखा आ गया सूखा भी पड़ गया तो पॉपुलेशन जो 25% परसेंट से अगर 35, 40, फोर्टी 50 तो नहीं पहुंची होगी क्योंकि ईयर जो है वो देखो आप 62 then 67 then 30, 17. 13, 17. तो फेमाइन आ गया अब उसके बाद दिक्कत ये हुई कि चीजें चल रही हैं ठीक है साइड बाय साइड जो प्रोग्रेस देखते हैं हम नंबर देखो एक बार चौसर की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए चौसर ने बहुत सारे मतलब जिसे कहते हैं अचीवमेंट्स वो ठीक है कुछ तो मैंने हटा दिया है क्योंकि मुझे पता था जब आप विकीपीडिया पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि चौसर को 1374 में कॉम्प ट्रॉलर बनाया गया अब आप कहेंगे ये क्या चीज होती है ये एक डेजिग्नेशन होता है ठीक है अगर आप ये कहेंगे कि ये कंट्रोलर जैसा है तो ये कंट्रोलर नहीं होता ये कंट्रोलर के नीचे काम करता है बहुत सारे जैसे ऑडिट होते हैं तो ये उसमें एक पोजीशन आती है नेक्स्ट है 1382 एट्टी टू यहाँ पे इनको कंट्रोलर बनाया गया तो पहले बनाया गया कॉम्प ट्रोलर फिर बनाया गया कंट्रोलर अब लंडन यानी कि इंग्लैंड से यूके से बिलोंग करते थे तो बहुत ज्यादा इनको बेनिफिट मिला इस चीज का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला वो ये था 1382 में जब इनको कंट्रोलर बनाया गया तो इनको टैक्सेस का कंट्रोलर बनाया गया तो मतलब ये टैक्स का भी हिसाब किताब रखते थे तो वाइन मर्चेंट के बेटे थे बहुत अच्छे इनके थे रॉयल फैमिलीज के साथ वहां पे इन्होंने लैटिन लैंग्वेज और फ्रेंच स्पेसिफिकली फ्रेंच क्योंकि फ्रेंच को ऐसा कहा जाता था कि फ्रेंच जो है वो एरिस्टोक्रेट्स की लैंग्वेज है जितने भी रॉयल बिलोंगिंग्स हैं तो वो फ्रेंच को मतलब रॉयल्टी जिसे कहते हैं ना वो फ्रेंच लैंग्वेज ही थी जिसे फ्रेंच बोलनी आती है यानी कि वो बहुत ही हाईर लेवल पे स्टैंड करता है इसीलिए अगर आपने वो पढ़ा हो मतलब कैंटरबरी टेल्स में नंज प्रीस्ट टेल का कैरेक्टर पढ़ा हो तो वो एक अक्सर कड़ा पहनती है जिसपे लिखा रहता है लव कॉन्कर्स ऑल ठीक है हालांकि वो फ्रेंच में लिखा रहता है लेकिन काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो फ्रेंच जो मैनर्स या एटिकेट्स को कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो बताता था तो वो नन प्रीस्ट का उन्होंने कैरेक्टर दिया है ठीक है तो ये मुझे फ्रेंच से याद आ गया इसलिए मैंने वहां पे यहां पे पॉइंट आउट कर दिया तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी तो थर्टीन में वाइन मर्चेंट कि जितने भी टैक्सेस हुआ करते थे यानी कि जितने भी वाइन मर्चेंट्स जो हैं टैक्सेस पे किया करते थे तो इनको कंट्रोलर बना दिया गया नेक्स्ट 1385 में ऑलमोस्ट ही लॉस्ट ऑल हिज पोजीशंस कहते हैं ना कि सारी की सारी जो पोजीशंस हैं जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो ही लॉस्ट ऑल हिज बेनिफिट्स तो कोई भी अब डेजिग्नेशन इनके पास नहीं था तो एडवर्ड द थर्ड के टाइम में अच्छा रहा उनके बाद जो थे शायद अच्छा रहा उस लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ और he lost all his offices. कब ये रिस्टोर हुए ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब इंसान वेला होता है ना एक तरीके से वेला कहना तो सही नहीं होगा तो वो इंट्रोस्पेक्ट करता है तो शायद ही वो टाइम था जब ये कैंटरबरी टेल्स के बारे में सोच रहे थे इसीलिए हमें जब मतलब इनकी डेथ अगर 1400 में हुई है तो नियर बाय इन्होंने लास्ट फेज में लिखना या सोचना स्टार्ट कर दिया था 1385 में खत्म और 1389 में इंपॉर्टेंट है कि इनको बनाया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब ये इंग्लैंड से रिलीव हो गए थे एक तरीके से फ्रॉम ऑल हिज सर्विसेज, तो ये रहने लगे थे कैंट में कैंट क्या है कैंट इज अ कंट्री इन साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड तो जब ये कैंट में रहते थे तो इनको वहां पर बनाया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कैंट ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये पूछ लेता है कि चौकीस पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कैंट बनाया गया था क्योंकि कई बार जब उसको लगता है ना कि कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो वो ऐसे चीजों को इंक्लूड कर लेता है ठीक है वैसे तो इनको सिक्स में बनाया गया था तो एटी सिक्स से लेके एटी नाइन तक ये थोड़ा सा है अब बात करेंगे इनके वर्क्स की क्यों ये हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री इनकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट इनका वर्क जो है ना इनके कुछ वर्क्स हैं जो इंपॉर्टेंट है क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर लेना ये एटी सिक्स से लेकर बिगनिंग एटी नाइन की ठीक है एटी नाइन के ईयर तक ही रहे पॉइंट नंबर क्या इंपॉर्टेंस है इनकी लिटरेचर में पहली चीज इंग्लिश की ग्रोथ की है एज अ लैंग्वेज फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे लिए नेक्स्ट चीज कि इनके टाइम तक इंग्लिश वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट मतलब इंग्लिश कोर्ट की लैंग्वेज नहीं थी तो इट वाज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम रॉयल पीपल तो वहां नहीं पढ़ते थे तो ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसकी इम्पॉर्टेंस है बहुत बार आपने देखा होगा जब आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं कुछ फ्रेंच वर्ड्स एज इट इज पिकअप कर लिए जाते हैं और वो टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं फिर एनोटेशन में उसको डाल दिया जाता है कि भाई ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और इसका सिंपलेस्ट जो मीनिंग है लैंग्वेज में वो ये है तो वो जो आइडियोलॉजी है ना वो जो ओरिजिन है वो यहां से आया है ये मैंने आपको बता दिया है कि एरिस्टोक्रेटिक जो थी यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो इस लैंग्वेज को ज्यादा बोला करते थे तो जितने भी रॉयल फैमिली थी किंग थे रूलर्स थे नाइट थे स्कवायर थे तो जितने भी ये लोग थे ये सब एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज जो कि फ्रेंच थी उसी को बोलते थे नेक्स्ट पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है चौसर ये हो गया चौसर क्योंकि चौसर ने एड किए हैं बहुत सारे वर्ड ही एडेड न्यू इनोवेटिव वर्ड्स टू फ्रेम अ डिफरेंट लैंग्वेज अब कौन कौन सी लैंग्वेज है ये है इटालियन स्पेनिश फ्रेंच कौन सी लैंग्वेज रह गई बताओ कौन सी लैंग्वेज रह गई ही टुक आइडियाज फ्रॉम द फोर लैंग्वेजेस इनसे फिर इसने एनरिच किया है इस लैंग्वेज को एनरिचमेंट होता है ना बहुत ही अच्छा निखारना फिर निकली है ये लैंग्वेज बताओ ही टुक आइडियाज स्पेश इनोवेटिव आइडियाज फ्रॉम दीज फोर लैंग्वेजेस आई हैव मैं थ्री लैंग्वेजेस बट आई हैव नॉट रिटर्न द फोर्थ वन बताओ इटालियन इज देयर स्पेनिश वॉज देयर एंड फ्रेंच हाँ जी महानूर जी लेटिन लैंग्वेज जो थी ना वो उससे भी आइडिया लिया तो चार ये तो वही बात होगी जैसे सब्जी आप बनाते हो ना ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप बहुत सारे उसमें इनोवेशन या क्रिएशन कर देते हो तो इटालियन स्पेनिश फ्रेंच एंड लेटिन उससे निकली है ये इंग्लिश लैंग्वेज तो चौसर के टाइम से पहले चौसर वॉज नॉट देयर इंग्लिश तो तब भी सर्वाइव कर रही थी बट उसको ज्यादा लोग पढ़ना नहीं जानते थे ज्यादा लोग उसको यूज नहीं करना जानते थे एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर ये हम सब जानते हैं चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हो हिंदी पढ़ते हो लैंग्वेज क्या है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली वी यूज इट फॉर कम्युनिकेशन तो जितना किसी चीज को आप कम्युनिकेशन पर्पज से यूज करेंगे आपकी वो जो चीज है ना वो पॉलिश होती जाती है तो अगर आप फ्रेंच सीखे रशियन सीखे अगर आपने एक डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज आपके जहन में रहेगी दिमाग में रहेगी छोड़ देंगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी तो चौसठ से पहले इंग्लिश का जो सर्वाइवल था दैट वॉज वेरी लेस इसीलिए जो यूजीसी नेट है या कोई और भी एग्जाम है तो वो चौसठ को ही अपना बेंच मानते हैं यहां से लैंग्वेज स्टार्ट हुई है ठीक है तो इसीलिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया या फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा है जीआईसी के लिए कैसे इतने ऑर्थर्स शर्मा जी अभी तो कुछ है ही नहीं सिलेबस जीआईसी का सिलेबस तो बहुत ही कम है आपने मास्टर कैडर का सिलेबस नहीं देखा शायद सत्तर प्लस राइटर्स थे और लिंग्विस्टिक अलग से था ठीक है मास्टर कैडर पंजाब का एग्जाम था जिसकी वीडियोज अभी आप पीछे देखेंगे चैनल पे मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी सेपरेट कर दूंगी कोर्सेज और ये कोर्स तो कुछ भी नहीं है ये तो कुछ भी नहीं है जो यूपी जी आई सी का है ना ये तो कुछ भी नहीं है वो कोर्स ज्यादा मुश्किल था और एक साउथ में स्टेट है वहां का जो स्टेट एग्जाम होता है ना उसका सिलेबस ज्यादा है अदरवाइज किसी स्टेट का इंग्लिश का जो एग्जाम है चाहे वो टीजीटी इंग्लिश हो या पीजीटी इंग्लिश हो इतना सिलेबस है ही नहीं और सबसे बेस्ट तो केवीएस है के तो पूछता ही नहीं टीजी इंग्लिश में उसको सिलेबस से कुछ लेना देना ही नहीं है फोर्टी फोर्टी मार्क्स का सीधा बात ही खत्म चौसर ने एक और चीज ली है इंग्लिश लिटरेचर में ही इंट्रोड्यूस राइम राइम जो हम पोएट्री में देखते हैं ना वो जो राइम पैटर्न है वो उसने कहा से लिया है ही बोरोड दैट स्कीम फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर तो इंग्लिश को बनाने के पीछे एनरिचमेंट के पीछे बहुत सारे जो लिटरेचर हैं उनका कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना योगदान रहा है तो आप लैटिन को समझें लैटिन लिटरेचर को समझें स्पेनिश को समझें या फिर फ्रेंच को समझें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जो सोर्स रहा उसके लिए वो फ्रेंच लैंग्वेज रही उसका एक बेसिक रीजन ये भी है वो खुद भी रिच क्लास से बिलोंग करते थे तो जैसी अपब्रिंगिंग उनको मिली वैसा ही उन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए लिखा डिपेक्ट करने के लिए तो इनोवेशन की बात हो गई अब कितनी शीट्स हो गई फाइव हो गई ना फोर्टीन हंड्रेड का जो टाइम पीरियड है ये ध्यान रखना है ही डाइड ठीक है इसमें ज्यादा तो नहीं पूछेगा डेजिग्नेशन पूछ सकता है या कहां से सोर्स लिया उसने ये पूछेगा वैसे वो अभी जहां पूछेगा ना वो ये है वर्क की जब हम बात करते हैं तो टाइम पीरियड को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट अरे बहुत सारे मैसेजेस आ गए तो महानूर जी तो वो तो है ही नहीं ना अगर आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपको क्या करेगा आपको तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो क्लियर होनी चाहिए ना मान लो अगर उसने ये दे दिया कि वर्ड्सवर्थ है कोलरेज है तो रोमांटिक टाइम के ये रोमांटिक लिटरेचर जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया जिसे कहते हैं हम एज ऑफ रेवोल्यूशन ठीक है तो कैसे आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड में उन्होंने ऐसा क्यों लिखा तो ये तो कॉमन चीज है अगर आप कह रहे हो ना कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मतलब ओल्ड इंग्लिश भी पूछता है जिसमें एंग्लो सेक्सन पीरियड आ जाता है ट्वेल्थ सेंचुरी तक फिर वो चौसर भी पूछता है फिर वो मॉडर्न पीरियड भी पूछता है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है ये सब करते हैं ये सब करते हैं ठीक है तो कोई भी इंग्लिश का एग्जाम दे चाहे आप टीजीटी लेवल पे दें पीजीटी लेवल पे दिए ये तो करना ही है बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए आपको जो खुद के लूप होल्स है ना पढ़ते वक्त वो पता चल जाएंगे जैसे अगर आप एज ऑफ चौसर की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जब आप चौसर के बारे में इंडिविजुअल सर्च करेंगे या उसको जैसे आप ब्लैक डेथ के बारे में अगर इंडिविजुअली गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको अलग अलग इमेजेस देगा ठीक है तो उसको मैं सारा तो एकदम से नहीं पढ़ सकती बट लिटरेचर में उतना ही काम है हमारा जो हम खुद को भी समझा सके और जो एग्जामिनर ने पूछा है उसको समझ के आंसर लिख सके ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये हेल्प करता है आपको ऐसी बात नहीं है कि नहीं करता फ्रेंच लिटरेचर इटालियन एंड देन आता है इंग्लिश कई बार वो पूछ लेता है कि चौसर ने मतलब चौसर का टाइम पीरियड किस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता तो वहां पे ऑप्शन के लिए आपको लेटिन लैंग्वेज भी दे देगा और स्पेनिश लैंग्वेज भी दे देगा क्योंकि इसने बोरो किए ना बहुत सारे आइडियाज तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि क्या चीज वो पूछेगा और क्या है कैसे जवाब देना है तो पहला जो फेज है वो फ्रेंच है सेकेंड जो है वो इटालियन है और थर्ड जो फेज है वो इंग्लिश है इसके बाद कोई फोर्थ फेज नहीं है ये भी ध्यान रखना ये जो तीन फेज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रक्चर वाइज इनको याद रख लो एफ आई ई जैसे आपने जी आई सी का रखा है ना ऐसे एफ आई ई फ्रेंच इटालियन एंड इंग्लिश इसमें बहुत सारी चीजों इन्होंने लिखी है बट हम इंपॉर्टेंट करेंगे नाम ध्यान रखना है रोमन डेला रोज ऐसे इसको लिख लेना दूसरा है द बुक ऑफ डचेस ये वैसे मैंने रिपीट कर दिया था बट आपको ये नाम ध्यान रखने है द बुक ऑफ डचेस जो है ना ये जॉन ऑफ गुआंट एक पर्सन थे ठीक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में दरअसल क्या है इंग्लैंड में क्योंकि हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना इंग्लैंड की तो इनकी वाइफ जो थी उनके लिए इन्होंने ये लिखा था तो कई बार ये पूछ लेता है कि ये किसकी वाइफ थी ये थी जॉन ऑफ की। तो थोड़ा सा ये चीज आप ध्यान रखना टेलीग्राम ग्रुप में क्यों ऐड नहीं होते होगा कुछ रीजन ठीक है तो कोई ना कोई रीजन होगा वहां ऐड ना होने का तो या तो आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए अगर वो नहीं है तो फिर वो लेगा नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा ठीक है या फिर कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं तो फिर वो तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वी हैव टू लोकेट द प्रॉब्लम फर्स्ट कि क्यों नहीं कर रहा नेक्स्ट है इटालियन द हाउस ऑफ फेम यानी कि हाउस ऑफ फेम इन सेंस की पॉपुलैरिटी की बात कर रहा है ये ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन के अंडर इन्होंने काम किया हो एज अ पैटर्न और वहां पे इनको कुछ ना कुछ फेम मिला हो तो उसकी भी कुछ रेफरेंस यहाँ पे आपको मिलेंगी देखने को सिर्फ नाम ध्यान रखना है जो भी थोड़ी बहुत समरी पढ़ सकते हैं वही पढ़नी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा नाम पूछता है इनके ईयर्स पूछता है ईयर में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है जो ईयर्स में कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो हमारे लेटर पार्ट में होती है यानी कि मिडिएवेल ये मिडिएवेल या मिडिल एजेस का पार्ट है इसके बाद वाले ईयर्स में जब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा वर्क लिखा है प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी ठीक है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यहाँ पे ऐसा नहीं था इसलिए जो विकीपीडिया पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इसे कहा जाता है कि जब ये लिख रहे थे तो इन्होंने फाउल्स ना लिखकर आउल्स लिखा था ओ डब्ल्यू एल एस तो ये क्रिटिसाइज कर रहे थे एक तरीके के उन लोगों को जो कि एक ही तरीके से सोचते हैं क्योंकि जब ये पार्लियामेंट में रहे जब ये किसी किंग के अंडर काम करते थे तो इनका इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से हुआ तो वो ये देखते थे कि आइडियोलॉजी वाइज या आइडियाज वाइज क्या चल रहा है तो ये जो फाउल्स है दरअसल ये क्रिटिसाइजेशन जो है वो है दिस सीम्स डू नॉट एग्जिस्ट हाँ ऐसा इसलिए होगा फिर हो सकता है कि आपने कुछ कहा हो वहां पर और फिर पर्टिकुलर सेटिंग्स में उसको बंद कर दिया गया हो ठीक है नेक्स्ट है द लेजेंड द लेजेंड ऑफ इंग्लिश अब यहां पे इंग्लिश कहना तो ठीक नहीं होगा द लेजेंड ऑफ गुड विमेन कुछ बताया गया है कि अक्सर विमेन को क्या मतलब बताया गया है कि क्या वाइसेज हैं और क्या वर्चूज हैं तो जो गुड विमेन है ना बहुत सारी विमेन की स्टोरी है इस वाले में और लास्ट है हमारा जो हमें पढ़ना है वो है कैंटबरी टेल्स अब इसको डिस्कस करेंगे एक तो ठंड में ना वैसे ही नहीं हाथ चलता कैंटबरी टेल्स क्वेश्चन कहां से बनेगा क्वेश्चन यहां से बनेगा मैं सिर्फ इसको डिस्कस करती हूं कैंटबरी टेल्स बहुत सारी जगह ऐसी रेफरेंस है कि चौसर चाहते थे कि जितने भी इनके पिलग्रिम है भाई वो चार -चार को नरेट करे। पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि चौसर पर्सनली ये चाहते चाहते थे थे जैसे स्पेंसर चाहते थे ना कि फेरी क्वीन के ट्वेल्व बुक्स लिखे ओरिजिनली प्लान ट्वेंटी फोर जब लिखने बैठे तो ट्वेल्व रह गई और जब वाक्य में आई तो छ ही रह गई ओरिजिनल ठीक है सेवंथ भी जो है वो इनकम्प्लीट था कुछ कुछ ऐसा आइडिया चौसर के साथ भी हुआ मतलब उन्होंने सोचा था कि जितनी भी मैं स्टोरीज लिखूंगा वो हंड्रेड क्रॉस कर जाएंगी अभी क्या है कैंटरवी ट्वेंटी जा रहे हैं एक जगह जो क्या है से, uh, सेंट कर लिया जाएगा आप अपने ये जो आईडी है ना इसको उर्दू में ना लिखकर आप पहले वो नाम लिखोगे ना तो कर लिया जाएगा ट्वेंटी नाइन पिलग्रिम्स ठीक है अनुराग जी प्लेग से डेथ हुई ना तो हाँ ऐसी रेफरेंस हमें मिलती है ठीक है बर्बोनिक प्लेग से वैसे डेथ का जिक्र कहीं कहीं मिलता है श्राइन सारी चीजें ध्यान रखते हैं बस एक चीज जो ध्यान रखनी है ना वो ये है श्राइन ऑफ मार्टियर टेबार्ड इन यही नाम है कहाँ है ये इंग्लैंड में इंग्लैंड में भी एक पर्टिकुलर जगह है उसका नाम क्या है साउथ दिख रहा है ना थोड़ा सा ये सेटिंग चेंज करो एक सेकंड रुको अब ठीक है सोलंकी जी किसका किसकी कट ऑफ साउथ वेयर और साउथ वार्क दो जगह मिलती हैं ठीक है ये दोनों एक ही नाम है तो इन इनके जो श्राइन है ये मार्टिया टबार्ड इन थे ये जा रहे हैं यहाँ पर ट्वेंटी नाइन पिलग्रम और रास्ते में क्या डिसाइड होता है कि भाई क्या करेंगे ये स्टोरी टेलिंग करेंगे क्योंकि रास्ता जो जर्नी है वो बड़ी लंबी है तो टाइम कैसे पास करेंगे हर कोई एक ना एक कहानी सुनाएगा और ये कौन डिसाइड करता है ये कहता है होस्ट होस्ट कौन है होस्ट का नाम पूछ लेता है होस्ट है हैरी बेले बहुत सारी जगह ये मिलती है स्पेलिंग और ये भी है ठीक है नाम यही है, जो भी हो फिर आप देख लेना, तो होस्ट ये कहता है कि जो भी अच्छी स्टोरी सुनाएगा सबसे मजेदार स्टोरी सुनाएगा तो वो क्या होगा उसको मैं डिनर दूंगा अब डिनर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है वैसे लेकिन उस टाइम जब जो क्राइसिस चल रहे थे उस टाइम डिनर का मतलब होता था कि भर पेट खाना ठीक है तो भरपेट खाना मिलेगा जो विनर होगा और वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो होस्ट ने ऐसी चीज डिक्लेयर कर दी अब चौसर ने अपने पॉइंट से क्या सोचा था कि जो ट्वेंटी पिलग्रिम्स है ना वो हर एक पिलग्रिम फोर स्टोरीज सुनाएगा तो जरा इसको मल्टीप्लाई करें तो होंगे हंड्रेड एंड सिक्सटीन तो लगभग हंड्रेड एंड सिक्सटीन या मैक्सिमम वन ट्वेंटी ये वन ट्वेंटी इसलिए है क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि ट्वेंटी नाइन पिलग्रिम्स वो थे जो चौसर के अलावा थे ठीक है तो इसलिए बहुत सारी जगह 120 की आपको रेफरेंस मिलेगी अब चौसर उसमें थे या नहीं थे ये हमें अभी तक नहीं पता ठीक है तो 29 नाइन पिलग्रिम्स थे अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनता है क्वेश्चन ये बनता है कि इन जो 29 नाइन पिलग्रिम्स ने जो स्टोरीज दी है ना हमारे पास कितनी स्टोरीज है हमारे पास ट्वेंटी फोर स्टोरीज हैं ठीक है तो ट्वेंटी फोर स्टोरीज में ट्वेंटी फोर लगभग कैरेक्टर्स भी हैं ठीक है इक्का दुक्के की बात है कि कितने कैरेक्टर्स हो गए एक बार काउंट कर लू फिर आपको बताते हुँ. एक बार मैं क्रॉस चेक कर लू मैंने कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि कितने कैरेक्टर हैं आपको पता है तो आप भेज दो 22 और 24 में हो गया uh, 23 में हो गया होस्ट मतलब 22 कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं एक है इसमें नरेटर एक है होस्ट ठीक है तो 24 जो स्टोरीज चल रही है ना स्टोरीज तो 22 है इसमें क्या है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वाइफ ऑफ बाथ वाइफ ऑफ बाथ की टेल स्पेशली उसका प्रलॉग जहां से वो क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट है नंज प्रीस्ट टेल ये भी इंपॉर्टेंट है नंज प्रीस्ट टेल ये, ये वाली समरीज आप पढ़ लेना नेक्स्ट है नाइट्स टेल तो ये तीन टेल है जो आपको पढ़नी है कैरेक्टर कौन कौन सा है नाइट है स्क्वायर है योमैन है ऑक्सफोर्ड का एक स्टूडेंट है ठीक है पार्सन है तो इन वाले कैरेक्टर की जब आप कैंटबरी टेल्स डालोगे ना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लू कलर से वो यूट्यूब पर यूट्यूब पे कह रही तो विकीपीडिया पे लिखी हुई है तो इन कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक हिंट दे देती हूं कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन है जो एंड ऑफ कोर्ट में काम करता था क्वेश्चन ये पूछेगा ठीक है और आ, आपको ऑप्शन दे देगा समनर मिलर नाइट या स्क्वायर अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए क्योंकि बड़ा होगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इन इंस ऑफ कोर्ट इसको ऐसे कर देते हैं बताओ ए बी सी या डी ए बी सी या डी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा इससे अलावा नहीं पूछेगा बताओ कोर्ट में कौन काम करता था नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन यही रहेंगे किसका रेड कॉम्प्लेक्शन था ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि आप उसको बाकी कैरेक्टर्स से अलग कर सकते हो ठीक है तो जो इन ऑफ कोर्ट है उसमें तो कुछ भी नहीं है दरअसल आंसर है उसका तो नाम का एक इसमें कैरेक्टर है ठीक है क्या है वो उसका नाम तो मैंसिपल है लेकिन वो क्या करता है जो लॉयर्स होते हैं वो दो ही चीज करते हैं ठीक है थीके? या तो वो सच बोलेंगे नहीं तो मतलब डिफेंस लॉयर्स भी होते हैं और प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं तो दो तरीके के लॉयर होते हैं ना वो जो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट है वो तो ये वाला जो मैनसिपल है ना क्या करता है ही मैनिपुलेट्स अब मैनिपुलेट करना क्या होता है चीजों को जो एग्जैक्ट है वैसे नहीं दिखा रहा ना तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है इसमें रेड कॉम्प्लेक्शन तो ये तो ऑप्शन में था ही नहीं ठीक है तो मैंने चेक करने के लिए आपको बता दिया तो कई लोगों ने कहा नाइट नाइट नहीं है भाई नाइट तो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है नाइट तो सुप्रीम पोस्ट है ठीक है नाइट का मतलब ही होता है वो पर्सन और सबसे ज्यादा ये रिस्पेक्टेबल उस टाइम का जॉब मानी जाती थी किसी को प्रोटेक्ट करना नाइट और उसी का बेटा है स्क्वायर ठीक है जो कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट है एक तरीके से रेड कॉम्प्लेक्शन कौन पर्सन है जिसका रेड कॉम्प्लेक्शन है इसके अलावा किसी का नहीं है और रेड कॉम्प्लेक्शन का मतलब है कि ही एक्सट्रीमली तो ये क्वालिटी है उसकी हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी नहीं है डिसक्वालिटी है बट उसके लिए क्वालिटी है हां जी, हां जी अनुराग जी वाइफ ऑफ बाथ वही है ठीक है सबसे बोल्ड कैरेक्टर जिसको कि ऐसा दिखाया गया है कि बहुत सारे लोगों के साथ मतलब फोर टू फाइव मैन के साथ ही वॉज इन अ रिलेशन किसी के लिए किसी के साथ फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी और किसी के लिए सम फॉर सम अदर रीजन रेड कॉम्प्लेक्शन अनअट्रैक्टिव कौन था मैंसिपल मिलर नाइट भी हटा दिया स्क्वायर बताओ ऑप्शन जैसे ही तो करना है अभी कौन से ये क्वेश्चन दे दिए बताओ क्या लगता है कौन है जो अन मतलब एक्सट्रीमली मैं ये पता क्यों पूछ रही हूं मुझे पता है क्योंकि ये चीज है जो एग्जाम में आएगी सोलंकी so, जी कट ऑफ वाला ट्वेंटी ट्वेंटी की पता नहीं क्या कट ऑफ थी ठीक है लेकिन ये है कि जो अगर आप यूपी जी का पूछ रहे हो तो यूपी पी हुआ और मतलब यूपी का कोई भी एग्जाम हुआ तो काफी कैंडिडेट्स होते हैं एक एक सीट पर और इसके जो जी का है ये तो प्री और मेन्स में है ना तो अगर प्री में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे तो छह महीने बाद मेन का एग्जाम है और मेन में तो सेवेंटी फाइव परसेंट लोग बाहर हो जाते हैं क्योंकि मेन जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव काम नहीं आता तो जिसकी जितनी ज्यादा एनरिच होगी वो कैबलरी वो बाजी मार लेगा सोलंकी जी नहीं पता ठीक है नेट का स्पेसिफिकली नहीं देखती मैं अब तो मैंने जब हो गया तो अब तो देखना ही छोड़ दिया है ठीक है तो पर्सनटाइल क्या है वो डिपेंड करता है आप खुद चेक कर लेना बी मिलर तो ऐसे वाले कैरेक्टर ध्यान रखेंगे कि नाइट ठीक है एक और चीज कि नाइट समनर स्क्वायर पार्सन इन वाले कैरेक्टर्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पार्टनर का भी इसमें कैरेक्टर है अगर आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगी क्योंकि ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एक काम करती हूँ मैं कैरेक्टर्स को लिख देती हूँ है ना ये आपके लिए ठीक रहेगा पहला है नाइट इसको नोट डाउन कर लेना फर्स्ट है नाइट अब नाइट क्या है ये इसकी जो क्वालिटी है ना जो ब्यूटी जिसे कहते हैं कैंटबरी टेल्स की वो क्या है ये जितने भी पिलग्रिम्स हैं ये जितनी भी स्टोरीज बताएंगे ये सब इनकी क्लास के हिसाब से है तो सबसे रिच क्लास से लेकर धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप चौसन आपको डिस्क्रिप्शन देता है कि कैसे जब लोगों का एनवायरमेंट चेंज होता है उनकी सराउंडिंग चेंज होती है तो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना वो भी चेंज होता है तो आप जिस तरीके के माहौल में रहते हैं आप पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं तो डेफिनेटली जो रिवर्स में आएगा वो पॉजिटिव वाइब्स होंगे तो आप कुछ इसी तरीके से समझिए कि जो उसने देखा उसने कैरेक्टर